The problem is how many words with or without meaning each of two vowels and three consonants can be formed from the letter of the word daughter. So the problem part is we have the one word that is daughter. So chaliye ek bar show karte hain ki kaise hum log solve karenge. The word is D A U G H T E R. The word hai hamare paas daughter. अब ये जो वर्ड है कुछ कंसोनेंट्स और कुछ वोवल्स से मिलके बना हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग वोवल्स और कंसोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं. तो वोवल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो वोवल्स अवेलेबल हैं, द फर्स्ट वोवल इज ए, द नेक्स्ट वोवल इज यू और एक वोवल आपको नजर आ रहा है ई. तो तीन तो यहाँ पे वोवल्स हैं. सिमिलरली अगर मैं कंसोनेंट्स की बात करूं, इन द कंसोनेंट्स कंसोनेंट्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस आर डी, एक डी आपके पास कंसोनेंट है, जी आपके पास कंसोनेंट है, एच आपके पास कंसोनेंट है, द नेक्स्ट इज टी एंड द लास्ट वन इज आर. तो आपके पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तीन वॉवल्स मौजूद हैं और पांच कंसोनेंट्स मौजूद हैं. अब चलते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली है क्या. देखिए क्वेश्चन में वो ये बोल रहे हैं कि आपको फाइव लेटर वर्ड जनरेट करना है ना. फाइव लेटर का एक वर्ड जनरेट करना है, डजंट मैटर कि उसका कोई मीनिंग निकलता है या फिर नहीं निकलता है. ये आपको ध्यान नहीं रखना है कि कोई मीनिंग बन भी रहा है या नहीं बन रहा है. हाँ, लेकिन आपको दो वॉवल्स यूज करने हैं और थ्री कंसोनेंट्स यूज करने हैं. लेकिन मेरे पास अवेलेबल वॉवल्स हैं थ्री और कंसोनेंट्स अवेलेबल हैं फाइव. तो तीन वॉवल अवेलेबल हैं और फाइव कंसोनेंट्स अवेलेबल हैं. तो मुझे डिसाइड करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं किस वॉवल्स या किस कंसोनेंट को यूज करके इस वर्ड को जनरेट करने जा रहा हूं. तो क्योंकि मुझे केवल दो ही वॉवल्स सेलेक्ट करने हैं तो मैंने इसके लिए क्या किया कि ये जो वॉवल्स का कलेक्शन है विच इज ए यू और ई, इन तीन वॉवल्स में से रेंडमली कोई दो वॉवल्स अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 3C2 के. सिमिलरली जो कंसोनेंट का डाटा मेरे पास अवेलेबल है विच इज डी जी एच टी और आर, मुझे इनमें से तीन कंसोनेंट्स रिक्वायर्ड है. तो कंसोनेंट्स को सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 5C3. तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शंस आर 3C2 इनटू 5C3 के. अभी एक काम और बचा हुआ है, द लास्ट वर्क इज कि ये जो आपने सेलेक्शन किया है, मान के चलिए रेंडमली आपने कुछ पांच कॉम्बिनेशन आपने मतलब पांच लेटर को सेलेक्ट कर लिया. उसमें एक एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, लेट एक ए लिया है, एक यू लिया है, एक जी ले लिया है, एक एच लिया है और एक आर लिया है. तो यहाँ पे ये दो वॉवल्स हैं और ये तीन आपके पास कंसोनेंट्स हैं. अब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, अब तक टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन इतने हैं, लेकिन इन पांच लेटर को यूज करके मुझे अब इनको अरेंज भी करना है, इन पांच प्लेसेस पे अरेंज करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर एंड फाइव. तो पांच लेटर को पांच प्लेसेस पे अगर मुझे अरेंज करना है, पांच प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज आते हैं फैक्टोरियल 5 के. सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज. अब बस केवल इतना है कि आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला क्वांटिटी 3 बनेगा. 5C3 को आप 5C2 भी लिख सकते हैं, तो ये आपका 10 बनता है और ये क्वांटिटी आपकी बन जाती है 120. या फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनेगा 360 × 10 और यू कैन राइट डाउन 3600. So these are the number of ways to arrange two vowels and three consonants at the five places.